किसिंग बूथ अब आपके लिए खुल चुका है फिर से। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी ज्यादा नर्वस होने वाली हूँ। आप सबके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, चलिए शॉर्ट में बताती हूँ। जैसे स्कूल खत्म हुआ, नोआ और मैंने साथ में छुट्टियाँ बिताई, और फिर आज से ठीक 27 दिन पहले मेरा प्यार मुझसे दूर चला गया। आई मिस यू जोकर। आई मिस यू मोर। और ये रही मैं, और आ गया स्कूल का फर्स्ट डे। आ गई मुसीबत। ओह माय गॉड एलन, तुम ठीक तो हो ना? हार्वर्ड में कितनी सारी सुंदर लड़कियाँ होंगी जो एक्सपीरियंस्ड होंगी। तुम्हारा नोआ का सुन के बुरा लगा। पर हमने ब्रेकअप नहीं। जब शहर अलग होते हैं तो ब्रेकअप तो अपने आप हो ही जाता है। सो तो है। हाँ, कभी कभी स्कूल से चिढ़ हो जाती है। वो नया लड़का मार्को, और वो बहुत ज्यादा हॉट है। OMG गर्ल सही कह रही थी, ये नया वाला बंदा एकदम हॉट सिजलिंग स्टार्टर जैसा है। मिलकर अच्छा लगा, और क्या है कि मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं जाकर कुछ खा लेता हूँ। स्टार्टर। और बचपन से हमें इसी कॉलेज में जाना था, जब से हमें पता चला कि हमारी मॉम्स भी यहीं बेस्ट फ्रेंड्स बनी थी। तुम्हें वहाँ बहुत मजा आएगा। तो यहाँ के किसी कॉलेज में आ सकती हो मेरे साथ? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मदद चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। बूथ के लिए मार्को की जरूरत है। क्यों? लड़कियाँ मरती हैं उसपे। अगर वो मान गया ना तो बाकी सब तो चुटकी बजाते ही मान जाएंगे। और हमें पूछना था कि क्या तुम इस साल के एक किस्सा बनना चाहोगे? नहीं। क्यों, तुम चैरिटी नहीं करते क्या? तभी तो तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं पहले ही एप्लीकेशन भेज चुकी हूँ टफ्ट्स में और बोस्टन कॉलेज और हार्वर्ड भी। क्या बात है, ये सब क्या है? तुम बस इस कंफ्यूजन में हो कि नोआ के लिए तुम्हारे प्लान्स चेंज करना सही है या नहीं। मुझे प्यार है शहर से। और मुझे तुमसे प्यार है। तो नोआ के साथ तुम पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो? हमेशा लगता तो ऐसे ही था। वो मैं फोन घर पे भूल के बाहर चला गया था। किसके साथ गए थे? हम सब लड़के ही थे बस। तो बस मुझ पे यकीन रखो। अगर मैं किसी लड़की से प्यार करता, वो स्मार्ट होती और मजाकिया होती, तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। जैसे मैं एक चीज पर फोकस करती हूँ तो कोई चीज या कह सकते हैं कोई मुझे खुद से सवाल करने पर मजबूर कर देता है। फंस गई।